ओह थॉमस, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे से टैंक इंजन को बहुत ज्यादा डिब्बे खींचने पड़ रहे हैं ना। वैसे तुम किसी दूसरे इंजन की मदद क्यों नहीं ले लेते? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये अकेले ही कर सकता हूँ। जितना हंसता है हंस लो गॉर्डन, तुम्हें लगता है मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता? देखना मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊँगा, देखना मैं एक दिन पूरी दुनिया घूमूंगा, तब हंस के दिखाना गॉर्डन। छोटे से टैंक इंजन को पूरी दुनिया देखने आया। अपने आसपास देखो थॉमस, यही है तुम्हारी दुनिया। This movie is encoded by TuneWorld for all.me. लेकिन सिर्फ एक रेलवे इंजन के लिए। अरे भाई तुम कहां से जा रहे हो? मैं रेलवे ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ, और कहां से जाऊंगा डूड। वरना कहीं पटरी से फिसल ना जाओ। हाँ बस थोड़ा और पास आ जाओ। हाँ अब ठीक है। ओए, ये मछलियों के डिब्बे अब तक यहाँ क्यों हैं? थॉमस, मछलियों के इन डिब्बों को विकर्स टाउन पहुँचा दो, बहुत बदबू आ रही है। पर ये काम तो जेम्स को दिया गया था सर, मुझे तो एनी और क्लैराबेल को अपने ब्रांच लाइन पर ले जाना है। जेम्स यहाँ नहीं है, हम इन बदबूदार मछलियों को अब और यार्ड में नहीं रख सकते। और हाँ, मेरे डिब्बे लाना मत भूलना थॉमस, मुझे अपने पैसेंजर्स को इंतजार नहीं करवाना। सब चढ़ जाओ। एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई। ये क्या, गॉर्डन मछलियों के डिब्बे लेकर जा रहा है? मछलियों के डिब्बे? उन मछलियों को तो विकर्स टाउन पहुंचाना था और गॉर्डन उसी तरफ जा रहा था, आज तो वो थोड़ा ज्यादा ही काम कर रहा है। गॉर्डन एक फिश एक्सप्रेस ट्रेन है। रुकती का नाम खटारा, चलना ही मेरा नारा। देख कर नहीं चला सकते क्या? ये कौन है? हेलो, क्या तुम एक रेसिंग कार हो? और तुम्हें क्या लगता हूँ, जरा आंखें फाड़ के देख लो। हम रेस करें क्या? क्या नहीं थॉमस, जरा अपना साइज देखो और मेरा साइज देखो, मैं तुम्हारे साथ रेस कैसे कर सकता हूँ? फिर भी हो जाए, रेडी गो।
वाह, क्या स्पीड से गया है वो। क्या बात है, देखकर मजा आ गया। तुम तो पूरा गोल घूम सकते हो, वो भी कितनी आसानी से। काश कि मैं भी ऐसा कर पाता। ये तो मेरा स्टाइल है, तुम्हें रोका किसने, तुम भी करो। इन पटरियों ने, पता है मुझे तो तभी सिर घुमाने को मिलता है जब मैं टर्न टेबल पर होता हूँ, और वो भी बहुत स्लो करना होता है। पर तुम तो एक ही जगह पर पूरा घूम जाते हो। तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सोडोर में पहले कभी नहीं देखा। मैं, मेरा नाम एस है और मैं पूरी दुनिया में रेस करने निकला हूँ। 5 अलग कॉन्टिनेंट्स में 5 क्रॉस कंट्री रेस में पार्ट लूंगा। वाओ, और क्या पहली रेस सोडोर में है? क्या कहा, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं यहाँ से शिप में जाऊँगा पहली रेस में पार्ट लेने के लिए। वाह, तुम्हें कितना मजा आएगा ना। मैं हमेशा से दुनिया देखना चाहता था। तो फिर जाते क्यों नहीं हो? दूसरे देशों में भी तो रेलवे ट्रैक्स होते ही हैं। बॉस, तुम्हें जाना चाहिए, घूमो और फिरो, यही तो लाइफ है डूड। हो सकता है शायद तुम वो पहले रेलवे इंजन बन जाओ जो सबसे पहले दुनिया घूमा हो। मुझे नहीं लगता ऐसा पहले कभी हुआ होगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बैठ कर गप्पे मारूं। मुझे रेसिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। वो तो मुझे भी करनी है। होश में तो हो? थॉमस! कहाँ जा रहे हो? मेरे यात्रियों को तो लिया ही नहीं। थॉमस! क्या हाल है छोटे भाई? ठीक हूँ। ओह, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तुमसे तो नहीं आ रही है गॉर्डन। आज तुमने क्या खाया है? तुम्हारा पेट खराब है? अरे तुम तो अपने साथ मछली वाले डिब्बे लेके आए हो। मछली वाले डिब्बे? मछलियों से भरे? ओ, मेरी नाक कट गई। थॉमस, उन मछलियों के डिब्बों को यार्ड से निकालने के लिए थैंक यू। मैं तो परेशान हो गया था। ये तो मेरा काम था सर, वैसे भी मुझे लोगों के काम में आना पसंद है। अच्छा सर, मैं ना आपसे एक और जरूरी बात करना चाह रहा था। मेरे पास एक आइडिया है, आपको कैसा लगेगा सर? अगर आपके यार्ड का कोई रेलवे इंजन पूरी दुनिया में घूमने वाला पहला इंजन बन जाए तो। पूरी दुनिया में? ओए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई रेलवे इंजन पूरी दुनिया में घूमा है। हाँ सर, मुझे पता है सर, ऐसा तो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। ओह, मजा ही आ जाएगा अगर ऐसा हो सकता है थॉमस, पर मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि पूरी दुनिया रेलवे के जरिए जुड़ी हुई नहीं है ना। बीच में समंदर है और रेगिस्तान है और जंगल और पहाड़ियाँ भी। पर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा, है ना सर? कमाल नहीं, धमाल हो जाएगा। ओ, फोन फिर से बजने लगा। जो कहा है उसे करने का तरीका ढूंढ लेना थॉमस। जी सर, मैं ढूंढ लूंगा। हेलो, क्या तुमने थॉमस को कहीं देखा है? परसी आज वो मेरे यात्रियों के लिए रुका ही नहीं। थॉमस, थॉमस ने एनी और क्लारा बेल को यार्ड में छोड़ा था, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। थॉमस कहाँ है वो? थॉमस, आज उसने मेरे पीछे मछलियों के दो डिब्बे लगा दिए थे, उनकी बदबू से मेरा दम घुट रहा है। किसी ने थॉमस को देखा है? मुझे उसे मालगाड़ी को आल्सबर्ग ले जाने का काम देना था। थॉमस, की होगी उससे कोई गड़बड़ या फंस गया होगा कहीं या पानी में गया होगा, डेंजर साइन देखा नहीं, उस रंग में फंसा होगा, मानी होगी उसने हार। स्टेशन मास्टर के घर की तोड़ दी दीवार, चक्कर में गलती से जाकर हो रहा होगा परेशान, या मिल गया होगा उससे कोई आइलैंड अनजान।
भी मत बोलो पुड़बा, अगर यहाँ कोई आइलैंड होता तो हमको पता नहीं होता। कोई ऐसा तो नहीं वो कोहरे की वजह से छुप गया है? ओह, फिर तो जरूर भूतिया आइलैंड होगा। कहीं जमीन न धस गई हो, या पुल ना हो टूटा, या पहाड़ चढ़ते हुए कहीं बैलेंस ना हो छूटा, पटरी से ना गिर गया हो जब कर रहा होगा रेस, कौन सी दुनिया में है वो, पहुँच न गया हो स्पेस। एट कंट्रोलर टू मेजर थॉमस, तुम सुन रहे हो मेजर थॉमस, जल्दी से वापस आ जाओ, यहाँ सब लोगों को तुम्हारी फिक्र हो रही है। हो सकता है वो कहीं जाकर वहाँ गया हो, खो वो कहीं भी हो सकता है। कहाँ गया वो हमें नहीं पता सर, तो फिर ढूंढो ना। इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया थॉमस, इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया थॉमस, इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया थॉमस। What happened to Thomas? All right, Emily, calm down and tell me slowly. Thomas went down to the dock, sir, and Carly loaded him onto a ship. She did what? But that means he could be anywhere in the world. He could be checking out the pyramids while floating down the Nile, or in the outback of Australia with a crocodile. He could be in Paris sitting by the Eiffel Tower, or chilling in Antarctica. It wouldn't last an hour. He could be in the Himalayas taking in the mountain air, or acting like a tourist in the heart of Times Square. Are there tracks there? Of course. The subway goes right through it. You mean he's gone underground? Hello? Hello? He could be in Rio de Janeiro as the carnival goes by, or out on Easter Island saying hi to a Moai. Hi. Hi. He could be on an African safari racing a zebra, or in Venice on a gondola. That'd be preposterous. He's a tank engine. He can't fit in a gondola. Well, he could if it was a rather large gondola. He could be wrestling a sumo in a match in Tokyo. He could be almost anywhere. Oh, where did Thomas go? We still don't know, sir. Well, we have to find him. He's my number one engine. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere's Thomas. He could be anywhere, anywhere in the world. Oh, Thomas, where could you be? You're in Africa now, Thomas! What do you reckon? Welcome to Dakar, Senegal! Wowies! I love it! The ships, the people, the sounds, the smells... Whoa! That woman's carrying a pot on her head! And look at all those camels! Oh, Ace, I'm so glad you invited me to come with you! Yeah, well, you know what they say. The world is your oyster. Is it? What's an oyster? Isn't that some kind of fish? That's just a saying, Thomas. Excuse me! But I'm in a hurry here, mate. Easy. Woo! Yeah! Woo-hoo! Free and easy. Excuse me. Thank you. Oh, whoops. Pardon. Thank you very much. So Africa is continent number one. This first cross-country rally is a race across the Sahara. Just miles and miles of hot, sandy desert. I hope they have lots of water towers. Yes, and that's only the start of it. The run continues on to Dar es Salaam on the other side of Africa. And then we catch a ship to Rio for the next rally. Dar es Salaam? Rio? It's all so exciting. I still can't believe we're actually doing this. Welcome. What an old... Hi, guys! Hi! Hey! Tony, Angelique, क्या हाल है दोस्तों? कौन सा टायर यूज करते हो? तुम्हारे अंदर जीपीएस है क्या? अपने पास एक्स्ट्रा पेट्रोल की टंकी है और पानी भी। हम नहीं चाहते कि हमारी गर्मी से हालत खराब हो जाए। हाय, मैं हूँ थॉमस। तो क्या मैं लड्डू बांटूं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सहारा को पार करोगे? क्या
जोक मारा है, एक रेलवे का इंजन रेत से भरा रेगिस्तान पार करेगा। मुझे एस ने बुलाया है। झूठ मत बोलो, तुम ही गाड़ी में चढ़ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हें अपने साथ सहारा आने के लिए क्यों कहूँगा जब यहाँ पर पटरियाँ तो है ही नहीं। पटरियाँ नहीं है पर तुमने तो कहा था कि पटरियाँ होंगी। मैंने तो सिर्फ अपनी 5 रैलियों के बारे में बताया था और तुमने कहा था तुम्हें दुनिया देखनी है, तो मैंने कहा जाते क्यों नहीं हो? जहाँ कहीं भी हो वहाँ। देरे सलाम। देरे सलाम? क्या तुम देरे सलाम जा रहे हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। मेरा? सच में? ठीक है, कसम से हम सबको देरे सलाम ही जाना है। पर मुझे तो पता ही नहीं है कि देरे सलाम है कहाँ पर। हमें पता है क्योंकि हम वहीं के हैं। ओए तो तू है नया इंजन? वो दरअसल तू तो पिद्दी सा है, धीरे जाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। मैंने सोचा था कोई ढंग का इंजन भेजेंगे वो। बेटा तू इतने सारे डिब्बों को कैसे खींचेगा? पिद्दी पटाखा कहीं का। ये डिब्बे मेरे लिए ज्यादा बिल्कुल नहीं है। अगर ये मुझे दरे सलाम का रास्ता दिखा दे तो मैं इन्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। तुमने इसे बना लिया? हाँ, इसका मुँह बंद कर दिया। बस एक बात बताओ कार्ली, तुमने थॉमस को शिप में लोड करके अचानक ऐसे अफ्रीका क्यों भेज दिया? थॉमस ने तो कहा था कि उसने तो आपको पूछा था, और आपने कहा था कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा आइडिया? ओए मैंने किस आइडिया को अच्छा आइडिया कहा था? यही कि अगर थॉमस पहला रेलवे इंजन बन जाए पूरी दुनिया में घूमने वाला। ओए ये तो गड़बड़ हो गई। इससे पहले कि थॉमस को कुछ हो जाए हमको उसे जल्दी से वापस लाना होगा। मुझे अभी के अभी डकार जाना होगा। ओह यस सर। ओए अरे कार्ली, ये क्या कर रही हो? इंसानों को हुक पर लटका कर शिप में नहीं डालते। आराम से आराम से, चक्कर आ रहे हैं। सॉरी सर। तुम दुनिया के किस कोने में हो थॉमस? देखा, कहा था ना मैं कर लूंगा। मैं शायद इससे पहले ही दरे सलाम पहुंच जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ दरे सलाम। अच्छा, हमको लगा वहाँ के लिए थोड़ा तो बड़ा इंजन भेजेंगे। पता नहीं, पर मैंने तो इससे भी ज्यादा डिब्बों को खींचा था सोडोर आइलैंड पर। दरे सलाम, इंजन जी आपके लिए थोड़े और डिब्बे हैं। लगाओ जी। दरे सलाम, दरे सलाम, दरे सलाम, दरे सलाम। शकल तो देखो। पर तुम इतने हैरान क्यों हो? दरे सलाम तो हमेशा बहुत सारे डिब्बे वेब्बे जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा बड़ा इंजन भेजते हैं। तुम्हारी तरह छोटू मोटू मास्टर नहीं, क्योंकि मुझे मदद करने का बड़ा शौक है, कोई मांगे या ना मांगे। और वैसे भी मुझे अभी कुछ काम तो है नहीं, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद शदद कर दूं। वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक से भले दो इंजन होते हैं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं इन्हें अकेले ही खींच लूंगा। ओके, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी।
असम से इतना स्लो तो हम कभी नहीं गया। वही तो, कोई मदद दे रहा था तो ली क्यों नहीं? बहन जी, इंजन भाई साहब इतने छोटे क्यों हैं? मैं कोई छोटा मोटा इंजन नहीं हूँ, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अब समझ में आया कि सभी इस काम को इतना मुश्किल क्यों कह रहे थे, तुम जैसे डिब्बो की वजह से, जो हमेशा हर एक चीज को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं। ये काम तो सच में किसी बहुत बड़े इंजन को ही करना चाहिए था। मैंने संभाल लिया, इसने संभाल लिया, इसने संभाल लिया, इसने संभाल लिया। क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर अक्रू ब्लू इंजन, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। मदद की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अकेला ही काफी हूँ। इसे मदद नहीं चाहिए, इसे मदद नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए। ओ, अब समझी, तुम्हें मजा आ रहा है इसीलिए तुम पीछे जा रहे हो, है ना? मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन ऐसा करते हुए होशियार रहना चाहिए, वरना पीछे से आ रही किसी चीज से टकरा वकरा जाओगे। क्यों, सही कहा ना? क्योंकि अब मैं तुम्हें मिस्टर अकड़ू ही बुलाती रहूं, या तुम्हारा कोई नाम वाम भी है? जैसे कि मेरा नाम निया है। और मेरा नाम है थॉमस, और मैं ये ट्रेन अकेले खींच सकता हूँ। गुड बाय निया। अगर तुम्हें तेज वेज जाना है तो मुझसे मदद ले लो, क्योंकि दर एस सलाम तो यहाँ से बहुत दूर दूर है, कम से कम 5,000 मील। 5,000 मील, 5,000 मील, 5,000 मील, 5,000 मील। हे हे, गाड़ी के डिब्बे शिब्बे तुम्हारी मदद करेंगे। ओ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, ये कब से मेरी मदद कर रहे हैं, तुम्हारी तरह ही चिपकू हैं। ओए डिब्बो, तुम लोगों को कोई गाना वाना नहीं आता जिससे थोड़ा सा टाइम पास हो जाए? बिना म्यूजिक व्यूजिक के इतना लंबा सफर काटना बहुत मुश्किल होगा, और अकड़ू थॉमस पहले से इतना चिढ़ा हुआ है, तो चलो इसका मूड मूड ठीक करते हैं। खराब मूड कटे अंधा, कुछ भी ना दिखे, दुनिया में अंधेरा है छा जाए, तो सोचो मत, मूड ठीक करो, फिर देखोगे कैसे रोशनी है जगमगाए। झूमो, चिढ़ा तुम मत करो, आसमां छुओ, झूमो, चिढ़ा तुम मत करो, दुनिया ये तुमसे रूठ जाए, सिलसिला दुनिया को पिता वे बिना। स्पीड थोड़ी कम करो थॉमस, पटरियों पर भागने वाले जानवरों को चोट वोट ना लग जाए। मुझे ये बात अच्छे से पता है, सोडोर आइलैंड पर भी जानवर अक्सर पटरियों पर भागते हैं, मैं सीटी बजाकर उन्हें आगाह कर देता हूँ और फिर वो पटरियों से उतर जाते हैं। सब छूट जाए, ये दुनिया मुझसे रूठ जाए, सिला सीमा दुनिया को पीता हुए बिना। अफ्रीका तो बहुत ही खूबसूरत देश है। अफ्रीका कोई देश वेश नहीं है थॉमस, अफ्रीका तो पूरा कॉन्टिनेंट है। हम कई देशों को पहले ही पार वार कर चुके हैं, और दर ए सलाम के आने तक और भी कई देशों को पार करेंगे। निया, पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुमने जानवरों को पहले भी पटरियों पर देखा है। हाँ, पर सोडोर में इतने बड़े बड़े साइज के हाथी नहीं है ना। अच्छा, मेरी मानो तो उसके सामने अपनी सीटी बीटी मत बजाना, वो हमला कर सकता है। तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मुझे तो यहाँ और कोई रास्ता वास्ता नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? सोचा
really feel so down. आँखें मीच, सपने सीच, फिकर ना करना, ना नींद में डरना, सो जाओ तुम। यहाँ की पटरियाँ तो हमारे 100 डॉलर की पटरियों से काफी अलग है, वहाँ पर इतना खतरा नहीं है। यही तो हम कब से कह रहे हैं, अफ्रीका एक बहुत ही शानदार कॉन्टिनेंट है और तुम्हारे 100 डॉलर से बहुत अलग वलग है। ये ब्लू कलर का टैंक इंजन है और उसके साइड पर नंबर 1 पेंट किया गया है। नहीं देखा क्या? रुको, वो कुछ रेसिंग कार्स के पीछे यहाँ आया है। रेसिंग कार्स? रेसिंग कार्स तो सहारा की तरफ गए हैं हुजूर। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या कहा, सहारा? जी हुजूर। यानी रेगिस्तान? क्या असहारा से होकर जाने के लिए कोई रेलवे ट्रैक है? ओए मेरी टोपी, ओए ओए। बेचारे इजिन को माफ कर दीजिए हुजूर, ना समझ को नई नई चीजें खाना पसंद है। लो, हम पहुंच गए थॉमस। ये है दर सलाम तंजानिया। क्या बात है। अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मेरे दोस्त को ढूंढने में मदद करनी है। आसानी से दिख जाएगा, वो चमकीले पीले रंग का है, बहुत स्टाइलिश दिखता है और वो बहुत ही तेजी से घूम सकता है। उसका नाम है एस। एस? ये एस कौन है? मुझे तो लगा था तुम अफ्रीका में किसी को नहीं जानते और तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। इस और मैं एक साथ अफ्रीका आए थे निया, और हम दोनों पूरी दुनिया घूमने वाले हैं। तुम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमने वाले हो? मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ अकेले करना चाहते हो और बिना किसी की मदद शदत के। हाँ, इस मेरी मदद नहीं कर रहा, वो तो यहाँ पर 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रेस करने आया है। हेलो। बुला रही हूँ? नहीं, अपने दोस्त को, क्वैको को, क्वैको। निया, कितने दिनों बाद मिली हो? हो सकता है तुम्हारे दोस्त क्वैको ने एस को देखा हो। निया, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ क्वैको। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पहिए कैसे हैं? तुम्हारा बॉयलर कैसा है? तुम्हारे पिस्टन कैसे हैं? तुम्हारे डिब्बे कैसे हैं? तुमसे अच्छी तरह पेश आते हैं ना वो? कुछ अच्छा है। और तुम कैसे हो? तुम्हारे पहिए कैसे हैं? तुम्हारा बॉयलर कैसा है? पिस्टन कैसे हैं? क्या पटरियां तुम्हें वहाँ ले जाती हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो? और तुम्हारे डिब्बे तुमसे अच्छे से पेश तो आते हैं ना? सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी कट रही है। थैंक यू निया। क्या बात है, इतना छोटा हाय हेलो पहली बार देखने को मिला है। तुम्हें रहने के लिए नई जगह मिली क्या? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज क्वेकू? एक काम करो, पूछ ही लो, वरना टेंशन में तुम्हारा धुआं निकलेगा। वो तो निकल ही रहा है। क्या तुमने आसपास एक एस नाम का छोटा सा येलो रेसिंग कार देखा है? दरअसल मुझे उससे मिलना था। यहाँ पर बहुत सारी रेसिंग कार आई तो थी। क्या सच में? झूठ तो मैं बोलता नहीं। निया, तुम्हें देखना चाहिए था, मच्छरों की तरह भिनभिना रही थी, यहाँ वहाँ पटर 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 है। और फिर यहाँ से चली गई और यार की शांति लौट आई। सच कहूँ तो कान में दर्द हो गया। चलो भाई चलो, बुलावा आया है, चलता हूँ। गुड बाय निया। गुड बाय निया के दोस्त, फिर मिलेंगे। बाय बाय क्वेकू, फिर मिलेंगे। इस मेरे बिना ही आगे चला गया होगा। ऐसा लगता है तुम्हारा दोस्त थोड़ा खुदगर्ज है। ऐसा क्यों बोल रही हो, वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो तेज है, एक्साइटिंग है और जो मन करता है वो करता है। वो एक रेसिंग कार है निया, हवा की तरह आजाद। इतने डब्बों को खींचने की वजह से मुझे ही आने में बहुत देर हो गई। तो अब तुमने क्या सोचा है थॉमस, मैं मदद करूं? नहीं निया, तुम नहीं कर पाओगी। तुम अब अपने घर चली जाओ, ठीक है? मैं बस किसी जहाज में बैठूंगा और खुद ही रियो चला जाऊंगा।
पता नहीं वो कहाँ है। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने घर जाने को कहा था ना, तुम्हें इस जहाज पर नहीं आना चाहिए था निया। खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अगर तुम्हें वहाँ पर भी कोई जंगली हाथी वाथी मिल गया तो और वैसे भी मुझे हमेशा से पूरी दुनिया घूमने का शौक था। क्या क्या कहा? ये तो मेरा आइडिया है। हाँ, तो आइडिया सिर्फ तुम्हें ही थोड़ी ना आ सकते हैं थॉमस। मैं हमेशा से अलग अलग जगह देखना चाहती थी। कितनी नई चीजें देखने और सीखने को मिलती हैं। तुम्हें पता है चाइना में रेनबो जैसे दिखने वाले पहाड़ शहर हैं? सच्ची? रेनबो वाले पहाड़? वही तो, सुनकर ही मजा आ रहा है ना। पर इसने तो कहा था कि मैं पूरी दुनिया में घूमने वाला पहला रेलवे इंजन बनूंगा। तो फिर मैं दूसरी बन जाऊंगी। यूं कि तुम्हारा वो दोस्त यहाँ है क्यों नहीं? तुम्हारी मदद वदद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे मदद नहीं चाहिए। मदद सबको चाहिए थॉमस, अब तो वो आ भी नहीं सकता। तुम चाहो या ना चाहो, अब तो तुम्हें मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। कैसे हो डूड, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। क्या कहा, अच्छा लग रहा है? मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो, मुझे किस ट्रिप पर चढ़ना है, और मुझे ये भी नहीं पता कि रियो के बाद मुझे कहाँ जाना है। इसी में तो मजा है, हवा की तरह लहराओ, बिंदास होकर जियो। पर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मुझे पता था उसकी जरूरत नहीं है, तुम खुद पता लगा लोगे अपने दिमाग से। तुम बिंदास और बेफिक्र बनना चाहते हो ना, मेरी तरह? दुनिया देखो, अपनी मर्जी से जियो, खुद पर बोझ रखकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। बोझ? कौन सा बोझ? मैंने तुम दोनों को बात करते सुना था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी को अपने रास्ते में मत आने दो। कोई और तुम्हें क्यों बताए कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मस्ती करनी है बस। चलो पोर्ट में मिलते हैं डूड, मुझे अगली रेस के लिए थोड़ा आराम करना पड़ेगा। गुड नाइट दोस्त। पहुंच गए ब्राजील, साउथ अमेरिका। एस तो यहाँ हो तुम। ये कॉन्टिनेंट नंबर दो थॉमस, साउथ अमेरिका। ओले, अगली रेस एक क्रॉस कंट्री रेस है जो अमेज़न से होकर गुजरती है, रेन फॉरेस्ट से। क्या कहा, रेन फॉरेस्ट? मतलब वहाँ पर पटरियाँ होंगी? हाँ वही तो डूड, वहाँ पटरियाँ तो होंगी, वो रेगिस्तान तो है नहीं। मतलब मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मुझे रेस के लिए पेट्रोल भराना है थॉमस। क्या वही एस था? हाँ, वो अमेज़न की रेस के लिए पेट्रोल भरवाने गया है। ओह, मैं भी जाकर पानी वानी भरवा लेता हूँ, वरना पीछे रह जाऊंगा। नमस्ते, नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं महाशय? मैं जा रहा हूँ अमेज़न। अमेज़न जा रहे हैं? कौन से सामान के साथ? मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं बस रैली को फॉलो कर रहा हूँ। क्या तुम एस को जानते हो? वो एक बिंदास रेसिंग कार है। हमें रेसिंग कारों के बारे में क्या पता महाशय, हम तो गाड़ियाँ देखते हैं, और हम कोयला और पानी उसी इंजन को देते हैं जो हमारे कुछ काम आ सके। ओह, फिर तो मैं बहुत काम आ सकता हूँ। मैं सोडोर में हमेशा सामान के डब्बे या पैसेंजर्स के डब्बे लेकर जाता था। एक सामान से भरी ट्रेन है जिसे अमेज़न से होकर सैन फ्रांसिस्को पहुँचाना है। अगर तुम वो ले जाओ तो जितना कोयला और पानी चाहते हो ले सकते हो।
महाशय, ये सारा सामान सैन फ्रांसिस्को वक्त पे पहुंचा देना। बाप रे बाप, ये तो बहुत सारी कॉफी है, लेकिन मैं भी बहुत ही काम का इंजन हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। आपके दोस्त कहाँ है? वो आपकी मदद नहीं कर रहे? कौन? एस? नहीं, मैं। ओह, ये फिर से आ गई। मिस चिप को कहेंगी। हम दोनों मिलकर कॉफी को सैन फ्रांसिस्को ले जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर जल्दी चलो निया, हमें जल्दी निकलना होगा वरना एस तक नहीं पहुँच पाएंगे। पानी के लिए रुक रुक जाना चाहिए। हम यहाँ पानी के लिए रुके? बिल्कुल भी नहीं निया, हमारे पास तुम्हारी पानी की टंकियाँ भरने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे पास तो एक्स्ट्रा टैंक्स है, पर तुम्हारा पानी कम हो गया होगा तो भर लो। हम अभी जल्दी में है निया, वरना हम पीछे रह जाएंगे। और इस... थॉमस, पानी का टैंक पीछे रह गया। और तेज दिया, कम ऑन, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हारा दोस्त तेज कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा निया, तुम सिर्फ इसलिए बोल रही हो क्योंकि हम लोग उसके जितने तेज नहीं हैं। आराम से। टूटो का कारवां चले चुक 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 चुक। और ये है ऊंट पर धरे मम्मी 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 कर रही। चले 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 आगे बढ़े बढ़े बढ़े। हुजूर ऐसे हंसते गाते सफर कट जाता है, मजा आया ना हुजूर? ओए, तुम्हें सच में लगता है कि थॉमस यहाँ से गया था? यहाँ तो कोई रेलवे ट्रैक है नहीं। ये लो, पानी भी खत्म। ये मैं हूँ एक स्पीड बोट। हे चलो जल्दी चलो, हमें एस तक पहुँचना। थॉमस, एस क्या हो गया तुम्हें? टेंशन की बात नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। रेसिंग में तो ये सब होता ही रहता है। मैं अगली रेस में अपना टाइम कवर कर लूंगा। लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? जो मैं हमेशा करता हूँ, मदद का इंतजार। मैकेनिक्स की कार अभी आती होगी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी थॉमस? शायद झाड़ियों में से कोई आवाज आ रही है, लगता है मदद के लिए कोई आ गया। आ गया ना, दिख रहा है क्या? नहीं एस, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो हमारी बात कर रहा है थॉमस, वो हमसे मदद मांग रहा है। बेचारा डरा हुआ है। कौन? मैं? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डराता हूँ। वो कहना कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, मेरा बम्पर सीधा करने के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं और स्टेपनी एक ही है, तो लगता है कोई जंगली जानवर आ रहा है। ये तो एक छोटा सा बंदर है। कितना प्यारा है। हेलो, मदद करो थॉमस, मुझे अपने किसी भी डिब्बे में लोड करो, यहाँ से निकालो। तो तुम लोग अब किस तरफ जा रहे हो? मैं इस रेस से तो बाहर हो गया हूँ, पर अगर मेरी मरम्मत हो जाए तो मैं वक्त पर सॉल फ्लैट पहुँच जाऊंगा। और मैं यहाँ झटके क्यों खा रहे हो? हम यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं? सॉरी, पर मेरी टंकी खाली हो गई है। खाली टंकी जल्दी भरो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता।
पर अगर थॉमस के पास पानी नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते, और मैं अकेले इस पूरी ट्रेन को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे भी पानी की जल्दी ही जरूरत पड़ेगी। मुझे पानी के टावर पर रुक जाना चाहिए था। हम पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों का? हाँ, हम पत्तों से कई तरह की चीजें बना सकते हैं, बास्केट्स, खिलौने, कपड़े और यहाँ तक कि घर भी। पत्ते बहुत ही काम की चीज होते हैं। और देखो यहाँ रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। हम उससे फनल बना सकते हैं और बारिश के पानी को फनल से पानी की टंकी में भेज सकते हैं। थॉमस, आइडिया काम कर गया। शाबाश। थैंक्स। चलो सॉल्ट क्रैश की ओर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्या किसी ने ये टैंक इंजन देखा है? ब्लू है, साइड पर नंबर 1 लिखा हुआ है। ओ, उसका नाम थॉमस है। ओ, ब्लू इंजन नहीं तो, पर हमारे पास ये ऑरेंज टोपी है। जरा मुझे तो दिखाना। क्रेन भाई सब नीचे उतारो। हाँ, मैंने देखा है इसे। मैंने ही तो इसे शिप पे चढ़ाया था जो ब्राजील के रियो डी जनेरो जा रहा था। अच्छा टोपी है, बहुत सुंदर है, टकला बारिश से बचा रहेगा। तुम लोगों के पास प्लास्टिक का कोई कवर है क्या? इस वक्त मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पेंट खराब ना हो। क्यों ना तुम्हें बारिश से बचाने के लिए पत्तों का कवर चढ़ा दे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा थॉमस, क्योंकि जंगली जानवर पत्तों के नीचे ही आकर छुपते हैं, और इसको तो जंगली जानवर पसंद ही नहीं। ये अचानक क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद यही सोच रही हूँ। मिट्टी बहुत गीली और नरम हो चुकी है। जल्दी करो थॉमस, जल्दी चलो, हमें मजबूत जमीन तक पहुंचना होगा वरना हम फंस जाएंगे। सुन लिया ना डिब्बे क्या कह रहे हैं? कम ऑन निया, और जोर लगाओ। मिलकर जोर लगाते हैं थॉमस। 1, 2, 3। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कसम से बाल बाल बच गए। थैंक यू। नहीं नहीं, मैं पानी में नहीं गिरना चाहता, मुझे पानी पसंद नहीं है। सब लोग ठीक है? हाँ, थैंक्स। ये मैंने तय कर लिया है, मैं कभी भी ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करूँगा। मैं जब भी खुद ड्राइव करता हूँ तो ज्यादा सेफ फील करता हूँ। इसका मतलब तुम डर मर गए थे, है ना? मैंने कहा ना, मैं डरता नहीं, डर रहता हूँ। सच कहता हूँ, मैं तो बहुत डर गया था, बहुत खतरनाक था वो। हाँ, बहुत।
पर हमने खतरे को हरा दिया। हम एक अच्छी टीम है, हाँ है ना थॉमस? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब कैसे समझाऊं? मैं जानू इरादा तुम्हारा था सही, और प्लीज मैं भी नहीं मतलबी, हम पूरी ना होती मेरी तो पर कभी ना बैठता, मुझे समझना ना अपने ट्रेन का डिब्बा, अपनी मर्जी से उछलता, जो दिल करे करूं, किसी से ना डरूं, मेरी लाइफ में हैप्पी तो डर सके ना मुझे भी, फ्री हूं मैं तो। मैं जानू तुमने था मुझे बचाया, और फिर भी एक बार भी नहीं जताया, मुझे सहारा तो दिया पर छीन ली है खुशियाँ, ऐसा लगे है यार तुम मुझ पर हो सवार, ये नहीं मेरी दुनिया, रोड पर तो पहुँचा देखना मेरा जलवा, खुला छोड़ दूँ एक दफा, मैं सबको दूंगा धूल चटा, कहाँ जा रहे हो भाई? जहाँ पर भी मैं जाना चाहता हूँ, पर मैं किसी की सुनता नहीं, सिर्फ अपने मन की करता हूँ, एक बार मैं हो जाऊँ आजाद, ओ पूरी होगी मेरी हर मुराद, जब उड़ने का वक्त आएगा मुझे कोई रोक ना। हाँ ना, हाँ ना, मैंने देखा है ना, वो कॉफी को ना सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा था। सैन फ्रांसिस्को? वही तो मैंने कहा ना। हेलो, ओ हेलो, हाय, बाय बाय। हेलो, कैसे हो? पहिए कैसे हैं? बॉयलर कैसा है? सिस्टम्स कैसे हैं? वाव, ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान की तरफ जा रहे हैं। देखो दोस्त, तुम मुझे जल्दी से यूटा के सॉल्ट फ्लैट्स में पहुंचा दो, मेरी अगली रैली वहीं से शुरू होने वाली है, नॉर्थ अमेरिका मतलब तीसरा कॉन्टिनेंट। पर हमें एक जरूरी काम दिया गया है, इस सैन फ्रांसिस्को में लोग इस कॉफी का वेट शेट कर रहे हैं, सॉल्ट फ्लैट्स हमारे रास्ते में नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसे अपने रास्ते में ला सकते हो। और एस को पहुँचाना भी एक जरूरी काम है निया। बस एस के लिए, पर अपने वादों को पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है थॉमस, लोग इस कॉफी का वेट कर रहे हैं वहाँ। मैं बताता हूँ, लाइफ में कोई भी काम करने और वादा पूरा करने से ज्यादा जरूरी क्या होता है? मस्ती करना, और रेसिंग में असली मस्ती है। क्यों, मैंने सही कहा ना थॉमस? ऐसा नहीं है कि मुझे मस्ती करना पसंद नहीं। पता है अभी मेरा क्या मस्ती करने का मन कर रहा है? नहीं,
सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके बाय 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 बाय। उई माँ, जंगल में मंगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है वो स्टीम इंजन है। हाँ देखो धुआं निकल रहा है, ये वही है। हाँ वही है। ओ, वो थॉमस है क्या वहाँ नीचे? ओ तेरी, ये तो कोई गांव में आग लगाकर बिरयानी पका रहा है। बिरयानी? ओ तुम लोगों ने अभी जो भी किया ना खतरनाक था। इस तरह से स्लोप में पीछे जाना ठीक नहीं है। पर तुम्हें तो खतरों से खेलना पसंद है ना इस? मैंने देखा था तुम रेन फॉरेस्ट में तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। हाँ पर उसकी बात अलग है, वो रेसिंग है, रेसिंग के अपने रूल्स होते हैं। हर कार अपनी जिम्मेदारी लेती है, हम सब अपने बॉस होते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता। वाव, तुम एक बार ट्राई तो करो। तुम्हें और थॉमस को ट्रेन आधी आधी बांटनी चाहिए और अपना वाला हिस्सा खुद ही खींचना चाहिए, दोनों आजाद। लेकिन हम लोग तो मिलकर सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं ना? हाँ वो तो हम जा ही रहे हैं ना, पर अगर तुम लोग रेस लगाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे और कॉफी पीने वालों को कॉफी टाइम पर मिल जाएगी। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम थॉमस से हार जाओगी है? मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। क्या बात है, अब आएगा असली मजा। चलो कॉफी डिलीवर करते हैं, वो भी सुपर स्पीड में। तो तुम दोनों तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। तुम तैयार तो हो ना निया, थॉमस के सामने टिक पाओगी ना? तुम बस देखते जाओ। On your marks, get set, go! रफ्तार तो देखो, बिजली से भी तेज है। तुम पीछे रह जाओगे थॉमस, रफ्तार बढ़ाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा धीरे चलो थॉमस, उसको थोड़ा आगे जाने दो। क्यों, हम रेस कर रहे हैं ना? क्योंकि हम निया के साथ छोटा सा खेल खेलने वाले। खेल खेलने वाले मतलब? मजाक करेंगे थॉमस, चलो भी मूड ऑफ मत करो, मजा आएगा और हंसी भी, खुद ही देख लेना। यहाँ से मुड़ जाओ। ठीक है इस, पर हम जा कहाँ रहे हैं? सॉल्ट फ्लैट्स। क्या सॉल्ट फ्लैट्स? सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है। हमें निया की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हम लोग अगली रैली के लिए सॉल फ्लैट जाएंगे, देखना मजा आएगा। ब्रेक्स की जरूरत ही नहीं है, हम जाएंगे फुल ऑन स्पीड। और तेज थॉमस, फुल स्पीड में जाओ, तुम ये कर सकते हो डूड। डटे रहना, इसी में तो असली मजा है। Hey!
आ गया। बिल्कुल भी नहीं एस, जो हुआ वो बहुत। थॉमस वहाँ बड़ा मजा आ गया। हाँ, निया के साथ ही रहना चाहिए था, हमने उसके साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं था। तुम इसी के लायक हो, इसलिए तो यहाँ पर पड़े ऐसे धूल चाट रहे हो। तुम नौजवानों के लिए सब कुछ खेल है, स्पीड खतरनाक होती है। हाँ मुझे पता है, हम बहुत ही तेज जा रहे थे, पर प्लीज कोई हमें उठाने के लिए क्रेन को ले आएगा। उठाने के लिए क्रेन? उठाने के लिए क्रेन? अच्छा मजाक कर लेते हो बरखुरदार। वैसे तुम लोग आए कहाँ से हो? सोडोर के आइलैंड से। बेटा यहाँ पर किसी को उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं आती है। हाँ, तो अगर कोई ट्रेन पटरी से उतरकर गिर जाए तो क्या होता है? तो वो महीनों तक यहीं पड़ी रहती है और धूल चाटती रहती है तुम्हारी तरह। अगर बारिश हो तो बात अलग है, तो वो ऐसी ही पड़ी रहकर कीचड़ में गंदी होती है। धूल चाटो या फिर कीचड़। और अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो हम लोगों की मदद से ट्रेन को सीधा कर देते हैं। लोगों की मदद से? हाँ, पर खुरदार तुमने तो सुना ही होगा, एकता में ही शक्ति है। बन मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। रुको, प्लीज मत जाओ। पता नहीं निया किस हाल में होगी। थॉमस, क्या यहाँ पर भी जंगली जानवर है? सांप! थॉमस! हाउडी! हमें मदद मिलने वाली है इस, हम बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। आराम से, धीरे धीरे उठाना। हम बच गए। ओ थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बरखुरदार। हाँ, चलो चलते हैं थॉमस। उम्मीद है तुम जहाँ भी तेजी से जा रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए देर नहीं हुई हो। हमारी मदद करने के लिए फिर से शुक्रिया। बाय। संभल कर जाना। बाय। रेगिस्तान में क्रेन मांग रहे थे।
ओ जी वो ब्लू है, उस पर नंबर वन लिखा है, क्या तुमने उसे देखा है? वो ब्राजील से कॉफी लाया है। ब्राजील से? ओह हाँ याद आया, देखा है, मुझे पता है किस इंजन ने ब्राजील से कॉफी लाई थी। ओह लेकिन वो इस टैंक इंजन जैसा नहीं दिखता था, सॉरी। कोई बात नहीं, थैंक यू। फिक्र मत करो, वो मिल जाएगा। ओए थॉमस, कहाँ हो तुम? ये जगह तुम्हें जान जैसी नहीं लग रही है थॉमस? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम स्पेस में हैं? पर इस सॉल्ट फ्लैट्स में तुम्हारा स्वागत है थॉमस, ये है स्पीड की दुनिया। मुझे यहाँ सॉल्ट फ्लैट्स में नहीं होना चाहिए था एस, मुझे निया की फिक्र हो रही है, हमने उसे दुख पहुँचाया होगा, उसे लग रहा होगा कि हमने उसके साथ चीटिंग की है। हाँ तुम भी ना, आगे से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। चिल करो डूड, तुम्हें पता था मुझे यहाँ पर अगली रेस के लिए आना है। पर... ये मैं अपने लोगों के बीच आ गया हूँ, ये लोग मुझे चुटकी बजा कर रेस के लिए तैयार कर देंगे। मेरे इंजन की आवाज़ सुनिए अंजलि, आज मैं जीतूंगा। वेस तो मैं ही जीतूंगी। कॉन्टिनेंट नंबर 3, हम आ रहे हैं। हे टोनी, एस, ओहो, तुम आ गए। हमें लगा कि तुम अमेज़न में पीछे छूट गए। आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं स्लो ट्रेन में चढ़ा था। क्या कहा, स्लो? हाँ, मजबूरी में स्लो से काम चलाना पड़ता है। टोनी ने भी ब्राजील का रेस कोर्स पार नहीं किया। याद मत दिलाओ, जब तक वो मुझे लेने के लिए आए मेरे अंदर छोटे छोटे मेंढक फुदक रहे थे। इस रेस में तो बहुत मजा आया, मुझे सॉल्ट फ्लैट पसंद है, रेसिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हे थॉमस, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम करने जाना है। लेकिन रैली का क्या? हा? तुमने तो कहा था तुम्हें पूरी दुनिया घूमने वाला सबसे पहला रेलवे इंजन बनना है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे निया को ढूंढना है और उसे सॉरी बोलना है। डूड, सच में? ठीक है, तो हम चाइना में मिलते हैं या फिर एशिया में, कॉन्टिनेंट नंबर 4। मैं पहले ये रेस तो कंप्लीट कर लो। इस हमने तुम्हें बहुत मिस किया यार। जरा बम्पर संभाल कर, थोड़ा सा लूज हो गया है। रेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, मैं तुम्हें डूड। कैलिफोर्निया में आपका स्वागत है, गोल्डन स्टेट। मेरा नाम नेटली है और आज मैं तुम सबकी हेल्पर हूँ। बोलो क्या मदद चाहिए, कोयला चाहिए, पानी चाहिए, पिस्टन या ग्रीस चाहिए? मुझे मदद तो चाहिए, मैं निया नाम की टैंक इंजन को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ ब्राजील से कॉफी लेकर आई थी, ऑरेंज कलर की है और उसमें 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर टैंक्स हैं। मुझे सोचने दो, वो क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे इंजन आते जाते रहते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, वो केन्या से थी, बहुत प्यारी और सुंदर। ओह हाँ, वही तो है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, वो कह रही थी कि वो चाइना जा रही है। चाइना? तो फिर मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ भी किसी की मदद करने गई होगी। थैंक्स। ओए थॉमस, मैंने उसकी सीटी की आवाज सुनी। जरा सुनिए मिस्टर क्रेन। हाँ, मुझे जल्दी से चाइना जाने वाले किसी जहाज पर चढ़ा दीजिए। मैं क्यों चढ़ाऊं तुम्हें भाई? प्लीज, मुझे किसी से जाकर मिलना है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। बात करने के लिए इतनी दूर जा रहे हो? लगता है बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे दोस्त होते हैं कम, हमेशा देते जो साथ। ऐसे दोस्त होते हैं कम, पर हम ही छोड़ देते हैं हाथ। क्योंकि हम उनसे बुरे से पेश आते, बिना सोचे कुछ ऐसा कहते, वापस जिसे नहीं ला पाते। मैं हूँ सॉरी, हूँ सॉरी, कह रहा हूँ दिल से मैं कहने आऊंगा। मैं हूँ सॉरी, हूँ सॉरी, जब मिलूंगा मैं तुमसे, सबसे पहले तो मैं तुमसे कहूंगा।
दोस्त होते हैं कम, जो देते हैं सहारा, पर हम ही समझते हैं नहीं, कर लेते हैं किनारा, क्योंकि बिन सोचे उनका दिल है दुखा देते, और फिर है पछताते और अफसोस ही करते हैं रहते। मैं हूँ सॉरी, हूँ सॉरी। हेलो, अरे तुम तो सोडोर आइलैंड के थॉमस हो ना? याद है हम लोग रेलवे की एग्जीबिशन में मिले थे? हेलो, हाँ मुझे याद है, तुम योंग बाग हो। सही पहचाना, पर तुम चाइना में क्या कर रहे हो थॉमस? वो मैं यहाँ अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। वो सोडोर से है क्या? नहीं, वो अफ्रीका से है। आज सुबह मैं भी अफ्रीका के एक इंजन से मिली थी। क्या सच में? हाँ, वो डानिया डांसिया की तरफ जा रही थी। डानिया डांसिया? हाँ, वही रेनबो वाली पहाड़िया। रेनबो वाली पहाड़िया, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच। अगर तुम पहाड़ियों पर जा रहे हो तो बर्फ हटाने वाले की जरूरत पड़ेगी। नई उम्मीद है मिली, हूँ जा रहा, वो जहाँ भी है वहाँ, हर ना मानूंगा उसे लूंगा ढूंढ, चाहे जितना वक्त लगे। I'm sorry, हूँ sorry, कह रहा हूँ दिल से मैं कह रहे आऊंगा। I'm sorry, हूँ sorry, जब मिलूंगा मैं तुमसे, सबसे पहले तो मैं कहूंगा चालूंगा। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये काम अकेले करूंगा।
अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंच गया थॉमस। निया, मुझे तुम्हें अकेले बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें और खतरे में डाल दिया था। मुझे मदद मांगनी चाहिए थी। हम सबको कभी न कभी मदद की जरूरत होती है, यहाँ तक कि मुझे भी। अब हम सब यहाँ सेफ हैं। हाँ, यंग बाओ की मदद से। मुझे देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता। तुमने बहुत डरा दिया था थॉमस। सुनो, ऐसा दोबारा मत करना, ओके? हाँ, नहीं करूँगा यंग बाओ। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर हो। हम भी बड़े और ताकतवर हैं थॉमस, जब हम दोनों साथ होते हैं। तो अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे थॉमस? वापस सोडोर, और फिर थॉमस पूरी दुनिया घूमने वाला पहला रेलवे इंजन होगा। नहीं निया, हम दोनों ही होंगे। अगर तुम्हें सोडोर जाना है तो तुम्हें वेस्ट में जाना होगा, एशिया और यूरोप से गुजरते हुए। तो हमारे सफर में यूरोप हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट होगा थॉमस। मतलब पांचवा कॉन्टिनेंट। थैंक्स यंग बाओ। बाय। अब संभल कर जाना। बाय। हमें दोस्त। जहाँ भी मैं जाऊँ तुम भी साथ मेरे आ जाना, जो भी मैं करूँ तुम भी मेरे साथ वो करना। इस दुनिया का कोई भी कोना हो, मैं खुशी से रह लूंगी जब तक तुम वहाँ मेरा साथ दो। हमें दोस्त। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। थॉमस, इंडिया वापस से सोडोर। थैंक यू। दोस्ते हैं साथ अमीगोस, छोड़ते नहीं हाथ अमीगोस, चाहे बिगड़े हाल अमीगोस, होते हैं वो बहुत ही खास अमीगोस। दोस्ते हैं साथ अमीगोस, छोड़ते नहीं हाथ अमीगोस, चाहे बिगड़े हाल अमीगोस, होते हैं वो बहुत ही खास अमीगोस। This movie is encoded by Toon World for all .me. क्या बात है थॉमस? सोडोर आइलैंड इस ब्रिज की दूसरी तरफ है निया, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो अपने घर पहुँच जाऊँगा। मगर इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी अपने घर वापस लौट जाओगी, है ना? मैं वापस नहीं जा सकती थॉमस। जिस शेड में मैं रहती थी अब तो वो शेड रहा ही नहीं। नहीं रहा? हाँ थॉमस, मेरे पास वापस जाने के लिए घर ही नहीं है। घर नहीं है? ओ निया, आई एम सो सॉरी। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ आकर सोडोर में रह सकती हो। सर टूफम हैट मना नहीं करेंगे, वो तो खुश होंगे कि उनका काम करने के लिए एक और इंजन आ गया है। आ जाओ निया, वेलकम टू सोडोर। मैं आ रही हूँ। थॉमस, कितने दिनों बाद आए, मुझे लगा तुम घर कभी कभी वापस नहीं आओगे। सोचो मैंने तक तुम्हें मिस किया थॉमस। कंग्रेचुलेशंस थॉमस। ओ, और ये कौन है? ओ मिस्टर पर्सिवल, इससे मिलिए, ये है मेरी दोस्त निया। मैं इसके बिना वापस नहीं आ पाता। हाय निया। हेलो। सोडोर में स्वागत है। थैंक यू, और तुम सबको भी मेरी तरफ से हेलो। निया अब से हमारे साथ यहीं पर रहेगी, मुझे बस सर टोफम हैट से बात करनी होगी। अरे पर हमें तो लगा वो तुम्हारे साथ है। मेरे साथ क्यों? क्योंकि वह तुम्हें ढूंढने गया था। हमें लगा उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया और वापस वही तुम्हें लेकर आए हैं। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर? तो फिर वो इस वक्त आखिर है कहाँ? क्या तुम दोनों ने ये टैंक इंजन देखा है? ब्लू है और उसके साइड पर नंबर 1 लिखा है।
उसका नाम है थॉमस। की होगी उससे कोई गड़बड़, या फंस गया होगा कहीं, या पानी में गया होगा, डेंजर साइन देखा नहीं, उस रंग में फंसा होगा, माननी होगी उसने हार, या स्टेशन मास्टर के घर की तोड़ दी दीवार, चक्कर में गलती से जाकर हो रहा होगा परेशान, या मिल गया होगा उससे कोई आइलैंड अनजान। कुछ भी मत बोलो पुड़बा, अगर यहाँ कोई आइलैंड होता तो हमको पता नहीं होता। कोई ऐसा तो नहीं वो कोहरे की वजह से छुप गया है? ओ, फिर तो जरूर भूतिया आइलैंड होगा। कहीं जमीन न धस गई हो, या पुल न हो टूटा, या पहाड़ चढ़ते हुए कहीं बैलेंस न हो छूटा, पटरी से ना गिर गया हो जब कर रहा होगा रेस, कौन सी दुनिया में है वो, पहुँच न गया हो स्पेस। बैट कंट्रोलर टू मेजर थॉमस, तुम सुन रहे हो मेजर थॉमस, जल्दी से वापस आ जाओ, यहाँ सब लोगों को तुम्हारी फिक्र हो रही है। हो सकता है वो कहीं जाकर वहाँ गया हो, खो वो कहीं भी हो सकता है, कहाँ गया वो हमें नहीं पता सर, तो फिर ढूंढो ना। इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया थॉमस, इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया थॉमस, इतने बड़े जहाँ में कहाँ गया।